हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकिपीडिया। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि CAPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पेपर वन होता है उसमें 125 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि जिनकी टोटल वेटेज 250 मार्क्स की है, और इन 125 क्वेश्चंस में से जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे हमारे मैथमेटिक्स के और रीजनिंग सेक्शन के, और इन 25 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये जो 15 क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्वांट के, उनमें से कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है, कौन कौन किन किन टॉपिक्स को हमने पहले करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लगभग हर एक एग्जाम में आपको 1 to 2 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपको मिलेंगे एक तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज के ऊपर, इसके अलावा जो वेन डायग्राम होती है, देखो एक वेन डायग्राम आती है रीजनिंग वाली और एक वेन डायग्राम होती है मैथ वाली, क्वांट वाली, जिसमें क्या होगा आपको परसेंटेज में कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है ना, और इसके नीचे हो सकता है आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिले। तो परसेंटेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक्स के बाद वो क्या है, एक तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज और इसके अलावा वेन डायग्राम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रेशियो की तो रेशियो में आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो एजिस है, एजिस जो हमारा टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा और साथ में मिक्सचर एडिलिगेशन में, ठीक है ना। तो रेशियो करना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, कम से कम बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो CAPF का AC का एग्जाम होगा उसमें जो 125 क्वेश्चंस होंगे उनमें जो 25 क्वेश्चंस है मैथ और रीजनिंग के, यही सबसे ईजी होने वाले हैं, यानी कि जो 50 मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, तो इसको हम कम टाइम में इजीली इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये सेक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वांट की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है इनके बाद वो है मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिल जाएगा। जैसे कि मेंसुरेशन क्या है, एरिया 2D हो गया या 3D हो गया, जिसमें आपने देखा होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल। इसके अलावा मेंसुरेशन 3D जिसमें आपको सिलेंडर वगैरह मिल जाता है, क्यूब, क्यूबॉइड्स वगैरह मिल जाते हैं, ये सारे के सारे फिगर्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसका भी आपको 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है हमारे इसमें, एक तो आएगा टाइम एंड वर्क, का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 8-9 टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा का सारा मैथ पढ़ने से अच्छा है कि हम इन 8 से 9 टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर अपना फोकस रखें, जिससे आप इजीली 15 to 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने देखा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे हम टैकल कर सकते हैं इजीली। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।